हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा कंपनी जो एक गर्मियों के सीजन में इसका एक सेल्स इंक्रीज हो जाता है ऑटोमेटिकली। हम बात कर रहे हैं वोल्टास लिमिटेड। वोल्टास लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो हमारे एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर एज वेल एज कूलर्स, ऐसी एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को मैन्युफैक्चर करती है। उस कंपनी को हम एक एनालिसिस करेंगे, इसका क्या रिटर्न्स रहेंगे, कैसे क्या रहेगा और एक्सपेक्टेड पॉजिटिव रिजल्ट्स रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस रिजल्ट में हम देखेंगे। अभी अगर आप इसका मार्केट कैप देखोगे तो 41,000 करोड़ में है। करंट प्राइस जो लेटेस्ट करंट प्राइस जो हमारा क्लोज हुआ है 28 को 1,263 क्लोज हुआ है। इसका बुक वैल्यू आप देखोगे तो 155, पीई इसका 74 पर चल रहा है और रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड 15% और रिटर्न ऑन इक्विटी 11%। इट इज अ गुड साइन ऑफ द कंपनी। सो अगर हम आगे देखेंगे तो आगे हम देखेंगे वन बाय वन इसका एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखते हो तो इसका प्राइस कैसे क्या मोमेंटम हुआ है। वन ईयर का प्राइस मोमेंटम अगर आप देखोगे तो वन ईयर प्राइस मोमेंटम में आप देख रहे हो तो अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। यहाँ पर ये जो नॉर्मल क्लोज हुआ है इससे पहले ये डाउनफॉल आया था। ये डाउनफॉल इसलिए आया था क्योंकि हमारा अभी जस्ट रूस और यूक्रेन का जो वार का सिचुएशन था, उसके बाद 28 को एक अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट करके ये क्लोज हुआ है। वन ईयर का इतना हो गया और पूरे वन ईयर में आप देखोगे तो ये जो नीचे ट्रेक लाइन आ रही है ये पूरी 200 DMI से ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। तो कंपनी में कहीं पर भी शॉर्ट सेल्स के हमको एक्सपेक्टेशन नहीं आया। 200 DMI से ऊपर कोई भी शेयर ट्रेड करता है तो वो पॉजिटिव इंडिकेटर ही हमारे पास में रहता है। थ्री ईयर के रिटर्न अगर आपको एनालिसिस करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। थ्री ईयर के रिटर्न में अगर आप देखोगे तो कंपनी का थ्री ईयर का रिटर्न कैसे क्या है हम वन बाय वन देखेंगे। इसमें अगर आप पहले देखोगे तो थ्री ईयर्स के रिटर्न्स में भी आपको हल्का सा ये जो 200 DMI कहाँ पर डाउन हुआ था, जो मार्च 2021 के आसपास हो, मई और अप्रैल में जो कोविड का फर्स्ट सीजन का इनिशिएट हुआ था, उसके बाद कहीं पर भी 200 DMI का डाउनफॉल नहीं आया है। कंपनी का एक शेयर अच्छा खासा रेंज में जा रहा है। अब हम अगर मैं एनालिसिस करता हूँ कंपनी का पी रेशो फॉर द 5 ईयर्स, मैं पी रेशो एनालिसिस करने जा रहा हूँ तो पी रेशो अगर आप एनालिसिस करोगे तो कंपनी के पी रेशो भी एक अच्छा खासा पॉजिटिव, अभी जो हमने ऊपर देखा था 74 में पी रेशो आ रहा था, तो यहाँ पर आपको कहीं पर भी ऐसा नेगेटिव न्यूज नहीं दिखेगा क्योंकि आप ये देखोगे कि अभी 70 के आसपास में है और अप्रैल 2019 जो क्वार्टर वाइज जा रहा है तो अप्रैल सितंबर 19 सिक्स मंथली भी हो सकता है। यहाँ पर ये देखोगे तो इसका पी रेशो कांस्टेंट आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि अभी जो पी रेशो है वो अच्छा खासा है और वो डिस्काउंट करके रखा हुआ है। थ्री ईयर का कंपेरिजन है, फाइव ईयर का कंपेरिजन भी अगर पी रेशो में अगर आप करना चाहें तो हम करेंगे। फाइव ईयर में भी देखोगे तो इसका पी रेशो वही आ रहा है और वो पी रेशो एक अच्छा खासा डिस्काउंटेड लेवल पे अभी हमारे करंटली आ चुका है। तो हम कह सकते हैं कि पी रेशो इंडस्ट्री का थोड़ा हाई रहता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो मीडियम पी फाइव ईयर का यहाँ देखोगे तो 37 पे आ रहा है। इट्स नॉट अ बैड साइन फॉर द कंपनी। अगला देखोगे तो कंपनी डेट फ्री है। कंपनी डेट फ्री के साथ साथ में डिविडेंड पे आउट रेशो भी 27 है, लेकिन एक इसका थोड़ा कौन सा आ गया है मतलब नेगेटिव हम कंसिडर कर सकते हैं कि इसका जो करंट स्टॉक प्राइस है वो इसका बुक वैल्यू जो 155 था जो हमने देखा था उससे थोड़ा ज्यादा है। वहां पर एक हो गया थोड़ा सेल्स भी इसका ग्रोथ कम हो गया है 5 ईयर्स में और इक्विटी का थोड़ा रिटर्न्स कम है लास्ट 3 ईयर्स में। यहाँ पर अगर देखेंगे तो कंपैरिजन करेंगे इसके कॉम्पिटिटर से, कॉम्पिटिटर एक एयर कंडीशनर में है वोल्टास, ब्लू स्टार, जॉनसन कंपनी है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो पीई का कंपैरिजन करने का तो पीई देखोगे आप तो 64 ब्लू स्टार का है जो हमसे कम है। तो जिस कंपनी का पीई रेशो लो होता है वो एक अच्छा रहता है, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो वोल्टास का 41,000 से और इन दोनों का 10,000-4,000 से। तो होपफुली अगर आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट्स करना है तो वोल्टास हमारा एक अच्छा पॉजिटिव इंडिकेटर्स में दे रहा है। थोड़े इनके रिजल्ट्स को एनालिसिस करेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट्स हमारे पास में है मार्च 2019 से लेके अभी तक। अभी आपको अगर लास्ट 3 मार्च के अगर रिजल्ट एनालिसिस करूंगा तो मार्च 2019 में अगर देखोगे तो सेल्स 2000 का है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 20 में भी 2000 का है, दिसंबर में भी 2000 का है, ओके सॉरी 1900 950 और 2000 ही मान लीजिए। और यहाँ पर भी अभी हमारे पास में मार्च 2021 का 2600 का
ये अगर आप सेल्स का आंकड़ा देखोगे तो यहाँ पर मार्च के जो भी क्वार्टर से उसमें इंक्रीज्ड हुआ है। इंक्रीज का रीजन सिर्फ यही है कि यहाँ पर जब भी आप एनालिसिस कर रहे हो तो वहां पर में मार्च में सेल्स इंक्रीज होती है क्योंकि गर्मी बढ़ जाती है, वहां पर एसी रेफ्रिजरेटर सभी का डिमांड इंक्रीज होता है, वो डिमांड का इम्पैक्ट यहाँ पर इनके रेवेन्यू पर भी आता है एज वेल एज प्रॉफिट पर भी आता है। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो ऑपरेटिंग रेशियोज थोड़े बहुत कम जाता है मार्च में, लास्ट थ्री क्वार्टर्स के देखोगे तो 6% 7% 7% क्वेश्चन बेसिस पे दो क्वार्टर्स के। मार्च 2021 में बहुत अच्छा इन्होंने दिया था 12% का, होपफुली यहाँ पर भी अभी दें अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। अभी प्रॉफिट एंड लॉस हमने अभी जो एनालिसिस किया था वो क्वार्टर बेसिस पे था, अभी इसको देखोगे आप तो ईयर बेसिस पे। मेरे पास में अभी 2010 से लेके अभी तक का पूरा क्वार्टरली बेसिस का इनका रिजल्ट है हमारे पास में। तो अभी आप देखो यहाँ पर लास्ट क्वार्टर में सेल्स कितना हुआ था 7,556। ये टीटीएम मतलब कि अभी जो अगला मार्च 2022 आएगा उसका अप टू 9 months का डेटा है यहाँ पर, तो 9 months का डेटा ही लास्ट ईयर से अभी तक इंक्रीज्ड होके आ गया है। यहाँ पर अगर देखोगे तो 9 months का डेटा ही सब जगह से हमारा कंसोलिडेटेड बेसिस पे आ चुका है, तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है कि अभी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इसका सेल्स बहुत अच्छा जाएगा। कंसर्न रहेगा तो सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पर इनके ऑपरेटिंग मार्जिन पे हो सकता है क्योंकि कंपनी का एक्सपेंसेस मार्केटिंग का और कोविड का इम्पेक्ट भी है थोड़ा बहुत, इसलिए वहां पर वो आ सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिए ये छोटे छोटे बॉक्स में आपको रिजल्ट शो कर रखा है 10 ईयर 5 ईयर 3 ईयर टीटीएम, ये पूरे कंपाउंडेड ग्रोथ बेसिस पे इनका है। ये 10 ईयर का इनका कितना ग्रोथ हुआ, प्रॉफिट में 4% है, 5 ईयर का 10% है, 3 ईयर में पूरा नेगेटिव प्रॉफिट जा रहा है कंसोलिडेटेड बेसिस पर। लेकिन सीएजीआर रिटर्न देखो इनका, सीएजीआर रिटर्न अच्छा खासा है, 10 ईयर का 26% थोड़ा नेगेटिव ही है, 5 ईयर का 28% ये इट्स गुड साइन, 3 ईयर का 30% और 1 ईयर का 21% इन्होंने सीएजीआर रिटर्न दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14-11% के रेंज में आ रहा है जो थोड़ा सा डाउन हुआ है जो हमने ऊपर देखा था। सेल्स ग्रोथ भी इनका थोड़ा सा डाउन हुआ है। अब बैलेंस शीट में भी पॉजिटिव इंडिकेटर्स है हमारे पास में, ऐसा कोई नेगेटिव साइन मुझे दिख नहीं रहा है बैलेंस शीट्स में, तो अकॉर्डिंगली आप अपना डिसाइड कर सकते हैं। ये एक पूरा आपको कंपनी का एनालिसिस किया है, इसके बाद हम देखते हैं थोड़े से मेन रेशियो इस कंपनी में रेशियो एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो डेटर्स डे, इन्वेंटरी डे, डे पेएबल्स ये करके लिखा हुआ आ रहा है, तो जनरली ये नंबर ऑफ डेज है। नंबर ऑफ डेज में कैसे है, डेटर्स डे मतलब क्या रहता है कि आपने जब सेल्स किया वो सेल्स का रियलाइजेशन कितने दिन में आया, मतलब आज सेल्स किया तो पैसा मेरा लास्ट 2 साल से इनका 87 डेज में आ रहा है जो एवरेज बेसिस पे निकाला जाता है। मार्च 19 में 92 डेज थे जो रिड्यूस होकर 87 आया है, 18 में इनका 89 था। इन्वेंटरी डेज भी वैसा ही कि आपका इन्वेंटरी पूरा रिसाइकल कितने टाइम में हो रहा है। डेट पेएबल पेमेंट ये लेट कर रहे हैं, लेव और पेमेंट देखोगे आप तो 123-131 ऐसा करके लास्ट 3 क्वार्टर का देखोगे तो 165-171 और 161-177 ये सब कुछ डेटा हमारे पास में अभी रखा हुआ है। तो ये डेटा आप एनालिसिस कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है। ये आपके लिए एक मैंने एजुकेशनल वीडियो बनाया था, अगर आपको चैनल का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।